बागेश्वरा को बहुत जल्द पकड़ के जेल में डालो। कफन भी कम पड़ गए हैं, लोगों के लाशों को लकड़ियों की तरह भरा जा रहा है बिना कफन को। दोस्तों, उड़ीसा के बालासोर में हुई ट्रेन दुर्घटना बेहद ही दुखद है कि अपराधी सामने है लेकिन किसी की हाथ लगाने की भी हिम्मत नहीं हो रही है। जोकर है, मरे हुए लोगों का मजाक बना रहा है। जो लोग चंदे देते हैं, ऐसो आराम देते हैं, गाड़ी देते हैं, बंगले देते हैं कि भाई तुम्हें किस लिए दिया जाता है, इस जोकर को क्यों नहीं पकड़ रही है सरकार? धीरेन्द्र शास्त्रीय को क्यों नहीं पकड़ रही है? बागेश्वरा को क्यों नहीं पकड़ रही है? और असली रेल मंत्री कहाँ चले गए? मत कहना कि अश्वनी वैष्णव असली रेल मंत्री, नहीं नहीं, देश के ऊपर बोझ बन गए हैं मोदी जी, बोझ। दोस्तों, उड़ीसा के बालासोर में हुई ट्रेन दुर्घटना बेहद ही दुखद है, देश को झकझोर देने वाली खबर है। लेकिन वास्तविकता यह भी है कि कुछ लोगों को इस खबर से रत्ती भर भी परवाह नहीं है, रत्ती भर भी परवाह नहीं है। रेल मंत्री ने आश्वासन दिया है कि इसमें जो लोग भी शामिल हैं उन्हें बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन सच्चाई ये भी है कि अपराधी सामने है लेकिन किसी की हाथ लगाने की भी हिम्मत नहीं हो रही है। दोस्तों, अगर रेल मंत्री को नहीं पता है, पुलिस प्रशासन को नहीं पता है कि अपराधी कौन है, तो मैं उन्हें बताने वाला हूँ कि इसका अपराधी कौन है। दोस्तों, मैंने पढ़ा है कि जितना अपराध करने वाला व्यक्ति अपराधी होता है, उतना ही अपराध को छुपाने वाला व्यक्ति भी अपराधी माना जाता है। दोस्तों, इसमें बाकी जो अपराधी हैं शामिल हैं उन्हें तो जांच के बाद में पकड़ लिया जाएगा, लेकिन सामने बैठा बागेश्वर धाम से मशहूर धीरेन्द्र शास्त्री को पकड़ कर जेल में डालना चाहिए और उसे आजीवन कारावास की सजा देनी चाहिए या फिर फांसी की सजा देनी चाहिए, क्योंकि वो इतने लोग सारे लोगों के मौत का जिम्मेदार है। उसने अपने मुंह से खुद ही कहा है कि मैं जानता था कि दुर्घटना होगी लेकिन मैंने नहीं बताया, मरे हुए लोगों का मजाक बना रहा है। सोचो, इसकी एक गलती की वजह से अगर समय रहते हुए बता दिया होता तो आज 400 से 500 लोगों की हत्या न होती और 1100 से 1200 लोग अभी भी मौत से जूझ नहीं रहे होते। वो भी बेचारे कब मर जाएंगे, कब उनकी सांसें रुक जाएंगी, कोई पता नहीं है। सोचो, इस दुर्घटना में किसी का बेटा मर गया, किसी का परिवार उजड़ गया, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री को इससे रत्ती भर कोई परवाह नहीं है। जोकर है, मरे हुए लोगों का मजाक बना रहा है, कह रहा है कि मैं जानता था लेकिन मैंने नहीं कहा, कह रहा है कि हमसे सरकार पूछा ही नहीं। अब इस चुतियों को बताओ कि सरकार इसे सिक्योरिटी देती है किस लिए? इसीलिए ना, ताकि ये बचा रहेगा और देश में कोई दुर्घटना होगी अगर इसे पता होगा तो ये बताएगा, सरकार पूछने जाएगी, सिक्योरिटी किस लिए दे रही है? और उन लोगों को भी धीरेन्द्र शास्त्री से पूछना चाहिए जो लोग चंदे देते हैं, ऐसो आराम देते हैं, गाड़ी देते हैं, बंगले देते हैं, कि भाई तुम्हें किस लिए दिया जाता है? कि देश के लोग मारे जाएं और तुम शांति से जोकरगिरी करो? बताओ मुझे एक बात बताओ, कुछ लोग कहेंगे कि अपराधी तो कैसे हो सकता है, एक बात बताओ, अगर ट्रेन में कोई बम लगा दे, कोई आतंकवादी लोग या कोई भी बम लगा दे कहीं पर, और मैं उसे देख रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि हाँ बम लगा हुआ है और मैं सरकार को इन्फॉर्म नहीं कर रहा हूँ, मैं पुलिस प्रशासन को नहीं बता रहा हूँ, और बम ब्लास्ट हो जाता है, लाखों लोग मारे जाते हैं, तो मुझसे बड़ा दोषी, मुझसे बड़ा अपराधी, मुझसे बड़ा देशद्रोही कौन हो सकता है? अगर मैं बाद में खुल के कहूँ, हल्ला करूं कि मैं जानता था कि बम ब्लास्ट होगा यहां पर, मैंने देखा था कि बम लगा है, लोग मारे जाएंगे, लेकिन हमने नहीं बताया, तो क्या पुलिस प्रशासन हमें छोड़ेगी, छोड़ेगी कि पकड़ कर ले जाएगी जेल में और सजा देगी? तो फिर इस जोकर को क्यों नहीं पकड़ रही है सरकार? धीरेन्द्र शास्त्री को क्यों नहीं पकड़ रही है? बागेश्वरा को क्यों नहीं पकड़ रही है? ये उन जितने लोग इस दुर्घटना में मारे गए हैं सबका जिम्मेदार है बागेश्वर, धीरेन्द्र शास्त्री, इसे पकड़कर आजीवन कारावास की सजा देनी, या फिर इस दुर्घटना में जिन लोगों के परिवार के सदस्य मारे गए हैं वो सभी लोगों को सड़कों पर उतरकर इसके खिलाफ FIR दर्ज करानी चाहिए और इसे सजा की मांग करनी चाहिए। और असली रेल मंत्री कहाँ चले गए? मत कहना कि अश्वनी वैष्णव असली रेल मंत्री, नहीं नहीं, ट्रेनों का उद्घाटन करने वाले असली रेल मंत्री तो प्रधानमंत्री जी हैं, जो खूब रेल ट्रेन का उद्घाटन कर करके झंडी दिखा दिखा कर हवाई लूटते थे,
लेकिन अब आज दुर्घटना हुई है तो रेल मंत्री को आगे कर दे रहे हैं, ड्राइवर को आगे कर रहे हैं, तो सिग्नल वालों को आगे कर रहे हैं, देश को चूतिया बना रहे हैं। और जो भंडवे ये कहते थे कि संसद में सिंगोल रख दिया गया है ये देश के लिए लकी साबित होगा, यही लकी साबित है, यही लकी साबित है कि कफन भी कम पड़ गए हैं, लोगों के लाशों को लकड़ियों की तरह भरा जा रहा है बिना कफन का। देश के ऊपर बोझ बन गए हैं मोदी जी, बोझ। और जो लोग फिर भी इनके पीछे मूर्ख बने हैं ना, इन लोगों का भक्त बने बैठे हैं ना, उन लोगों को भी शर्म आनी चाहिए। इन लोगों को शर्म नहीं है, चाहे देश के कितने भी लोग मारे जाएं, इन लोगों को शर्म नहीं आती है। शर्म तो जनता को आनी चाहिए कि ऐसे लोगों को जिनके पास अकल नहीं है, नीति नहीं है, ऐसे लोगों को चुन के सरकार में बैठा देते हैं, जहाँ रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। और मीडिया वाले, गोदी मीडिया का भी देख लो, रेल मंत्री रो रहे हैं और जिनके परिवार के सदस्य मारे गए, जो जिनके आंख से आंसू नहीं रोक रहे हैं, उनका आंसू कोई नहीं दिखा रहा है, रेल मंत्री की झूठी आंसू दिखाया जा रहा है। और पहले, हाँ, मैं लास्ट में फिर कहना चाहता हूँ, बागेश्वरा को बहुत जल्द पकड़ के जेल में डालो।